जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? ऑनलाइन वाले दोस्तों को आवाज आ रही है जी? आप कमेंट कीजिएगा जी सारे दोस्त जो है जल्दी से, ताकि क्लास शुरू करें जी। जी कमेंट कीजिएगा जी, आवाज आ रही है आप दोस्तों को? चलें। अच्छा जी, कल हमने ना पढ़ा था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग स्टार्ट कर दी थी, और लोग जो है तकरीबन पहले 40 लोग जो है वो मुसलमान हुए थे। तो उनमें आपको पता है कि सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा जो है ना जी, ये मुसलमान हुई थी जी। और उसके बाद फिर हजरत अबू बकर सदीक आते हैं। इनका ना जो ये किस तरह मुसलमान हुए, थोड़ा सा इनका जिक्र आपके साथ करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हजरत अबू बकर सदीक का जो खानदान है ना, ये बनू तैयम है। तो हजरत अबू बकर सदीक शुरू से ही जो थे ना, यानी कि स्टार्ट एज से ही वो ये बुत प्रस्ती और इन मामला से जो है ना वो दूर थे जी। तो हजरत अबू बकर सदीक जो है, इनको ना जब ये कहते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई है ना जी, तो इन्होंने एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा जो थी, ये बैठी हुई थी अपने भतीजे के पास, हकीम बिन हजाम के पास। तो वहां पे आपने जिक्र किया था, यानी कि कहते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा जो है ना जी, उन्होंने बेसिकली जो है कि हकीम बिन हजाम के पास हजरत अबू बकर सदीक बैठे हुए थे, तो वहां पे ना हकीम बिन हजाम की लौंडी जो है ना जी, उसने आके जिक्र किया कि हजरत खदीजा ये बात कर रही हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक वहां से ना खिसक लिए और सीधे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। तो सरकार ने इनको पहली वही के बारे में बताया कि किस तरह फरिश्ता जो है वो आया। तो हजरत अबू बकर सदीक ने ना उसी वक्त ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्या अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप बिल्कुल सच्चे हैं जी और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बयान दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि मैंने जिसको भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसका पांव फिसला और वो तफ्तीश में मुबतला हुआ, गौरव फिक्र करने लगा, सिवाय अबू बकर के, जिसने बगैर किसी तरद्दद के, बगैर किसी हेजिटेशन के क्या किया जी, इस्लाम कबूल किया। तो आप याद रखिएगा कि हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद जिस इंसान ने इस्लाम कबूल किया वो कौन है जी? हजरत अबू बकर सदीक है जी। इनका पुराना नाम जो है ना अब्दुल काबा था। अब याद रखिएगा कि हजरत अबू बकर सदीक का पुराना नाम क्या है जी? अब्दुल काबा। सरकार ने फिर इनको नाम दिया था अब्दुल्ला का। तो अब याद रखे, अबू बकर इनकी कुनियत है और जो अब्दुल काबा है वो ओरिजिनल नाम है, और अब्दुल्ला जो है वो सरकार ने नाम दिया है। ये आपने याद रखिएगा, ये बड़ा अहम है जी। इनके दो टाइटल भी हैं, अतीक और सदीक। सदीक यानी गवाही देने वाला जी, अतीक का मतलब है गुनाहों से परहेज करने वाला, बचने वाला, ठीक है ना जी? तो इस वजह से ये दो टाइटल जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा जी, कि हजरत अबू बकर सदीक के दो टाइटल पेपर्स में आ जाते हैं, अतीक और सदीक जो है ना जी। और अब याद रखिएगा कि हजरत अली जो है ना जी, आपको पता है ये सरकार की ही मतलब परवरिश में थे, ठीक है ना जी? तो हजरत अबू तालिब के बेटे हैं, लेकिन हजरत फातिमा बिनते असद बताती हैं, यानी हजरत अली की जो वालदा है ना जी, उनका नाम आपने याद रखना है फातिमा बिनते असद। ये हजरत अली की वालदा है जी। तो वो फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने नाम दिया है, यानी हजरत अली का नाम किसने रखा है जी? खुद सरकार ने रखा है जी। सरकार दो आलम जो है उन्होंने रखा, और इनके मुंह में ना लुआबे दहन, यानी अपना थूक मुबारक जो था ना जी,
वो सरकारे दो आलम से सल्लम ने डाला था जी, और अपनी जुबान मुबारक से मारक जो है इस मलूदे मसूद को चूसने के लिए इसके मुंह में डाली, जिससे ये बच्चा जो है चूसता रहा यहाँ तक के सो गया। यानी आप याद रखिएगा कि हजरत अली करमल्ला वजू की ये शान है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी अली दिया, ठीक है जी, और खुद अपना थूक मुबारक जो था उस हजरत अली के मुंह में डाला, फिर हजरत अली के मुंह में ना अपनी जुबान डाली और वो चूसते रहे जी। तो ये भी शान है जी हजरत अली करमल्ला वाजू की। तो आपने याद रखिएगा कि हजरत अली जो है आपकी उम्र 9 साल थी जब सरकारे दो आलम से सल्लम का ऐलान नबूवत हुआ, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी, क्योंकि हजरत अली ने पहले पहले हजरत मोहम्मद सल्लम ने क्या किया था जी, कि जो है ना हजरत अबू तालब के हालात थोड़े से जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो मुश्किल थे, तो हजरत अली को पहले लिया था, फिर उसके बाद मतलब है कि कहा कि अकील और तालब को भी मेरे पास रहने दें, ठीक है ना जी। बाकी बच्चों में भी जो है कि फिर हजरत जाफर और अब्बास को भी अपने साथ ले लिया, यानी कि इन सारी फैमिली की जो परवरिश है ना जी वो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है जी। हजरत जाफर भी जो है वो सरकार के पास पले, जिन्हें जाफर तैयार बोला जाता है ना जी। तो हजरत अबू बकर सदीक का आपको बता दूं कि इन्होंने फिर आगे ना मतलब है कि किया है तबलीग की थी, तो आगे कौन मुसलमान हुआ जी, जुबैर बिन अवाम, ये आप याद रखिएगा कि हजूर की फूफी के बेटे हैं जी, हजरत सफिया के बेटे हैं जी, जुबैर बिन अवाम। आपको तो हवारी रसूल का इनके पास टाइटल है जी, हवारी रसूल। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये मुसलमान हुए थे ये हजरत अबू बकर सदीक के कहने पे, यानी कि उनकी खिदमात है जी। फिर आपको पता है हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ, इनकी वालदा का मैंने आपको बताया था कि अशिफा, ये वो दाइयाँ हैं जो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ की वालदा है जी। तो इन्होंने बेसिकली इस्लाम कबूल किया, और हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ आ जाए तो सब सहाबा में से अमीर सहाबी ये हैं जी, अमीर तरीन सहाबी जो है ना जी, इनका टाइटल है जी, ये अमीर सहाबा में से है जी। तो ये आपको बताएं कि इनका जो है कि इन्होंने काफी जंगों में हिस्सा भी लिया, और जन्नतुल बकी में यानी कि मदीना में इनका मजार भी है जी, ये भी मुसलमान हुए। फिर आपने याद रखना है हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत साद बिन अबी वकास, ये आप याद रखिएगा, इन्हें फारस इस्लाम का टाइटल भी है जी, इन्हें फाते ईरान भी बोला जाता है, फारसुल इस्लाम इन्हें बोलते हैं जी, इन्हें इस्लाम का शाह सवार भी बोला जाता है, और इस्लाम की खातर पहली दफा जिसने खून बहाया किसी काफर का ना जी, वो हजरत साद बिन अबी वकास की जात है जी। हजरत साद बिन अबी वकास के बारे में आता है कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, तो इनकी माँ जो थी ना जी, उसने ना भूख हड़ताल कर दी थी, उसने कहा कि जब तक तुम वापस अपने दीन पे ना आओ, मैं मतलब है कि कभी भी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भूखी ना जी, क्योंकि तूने लात और हबल को छोड़ के मोहम्मद अरबी से सल्लम को फॉलो किया है। तो कहते हैं कि चुनाचे एक दिन उसने कुछ ना खाया ना पिया, जब सुबह उठी तो उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हुई थी, चेहरे पे यहाँ थी, दूसरे दिन फिर उसने कुछ ना खाया ना कुछ पिया, तो इसी तरह सिलसिला वो चलता रहा, जिद पे बैठी रही। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा, सात दिन भी विकास कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम जानती हो कि अगर तुम्हारी 100 जाने हो और एक एक करके तुम इसी तरह भूख हड़ताल करती करती जना मर जाओ, तो मैं फिर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा जी, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खाओ पियो या ना पियो। तो इस पुख्ता आजम को देख कर ना फिर खुद खुद माँ ने खाना शुरू कर दिया, यानी कि हजरत साद बिन अबी वकास का आपने नाम याद रखिएगा, इनका तल्लक जो है ना वो बनू जोरा से, बनू जोरा जो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का खानदान है ना जी, उससे ताल्लुक है किसका जी, हजरत साद बिन अबी वकास, इन्हें फाते ईरान भी बोला जाता है, ये भी मुसलमान हुए। फिर आपको पता है कि जो ने मतलब है पहले मुसलमान होने वालों में हजरत अबू बैदा बिन अल जरा, ये जो अबू बैदा बिन अल जरा है ना जी, इनका तल्लक बनू फैर से है,
और इनका असल नाम आमर है, आमर बिन अब्दुल्ला, समझ आ गई, आमर बिन अब्दुल्ला है जी। और ये भी मुसलमान हुए और आप बताए इन्हें फातेह सीरिया बोला जाता है, फातेह शाम, और इनका मजार उधर सीरिया में है जी। क्योंकि आप याद रखिएगा कि आप जो है ना जी पहले मुसलमान होने वाले में से हैं, अशरा मुबशरीन में भी आपका तल्लक है जी, 10 वो लोग जिनका तल्लक अशरा मुबशरीन में है जी, उनमें आपने याद रखना है कि 4 खुलाफा हैं, पहले 4 जो है ना जी वो खुलाफा हैं जी अशरा मुबशरीन में, फिर हजरत जुबैर है जी, फिर हजरत तला, तला बिन उबैदुल्ला, और आप याद रखिएगा कि फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अबू बैदा बिन अल जरा, फिर आप याद रखिएगा हजरत सईद बिन जैद, समझ आ गई। तो मतलब है हजरत तला, हजरत जुबैर, ठीक है ना जी, और ये सारे मतलब 10 लोग बनते हैं, 4 खुलाफा है नहीं, तो ये टोटल आपने याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं जी, अशरा मुबशरीन, ठीक है ना जी, यानी कि जिनको जन्नत की बिशारत दी गई। तो ये सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है जी, कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है जी। जी आप सब दोस्तों का मैं कमेंट कीजिएगा और आगे लाइक और अपना शेयर भी कर दीजिएगा जी, सारे दोस्त जो है ना वीडियो को लाइक किया करें, उससे ये होता है कि दोस्तों का मैसेज जो है वो चला जाता है जी। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना यार, इतने तो भेज ना हुआ करेंगे, एक बंदा फ्री में पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो को आगे आप लाइक और शेयर कर देते हैं तो इतने में आपका जाता कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत देते हैं आज में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में है कि ये है कि किसी बंदे को फायदा ना हो जाए हमारी वजह से, क्योंकि उसको फायदा हो गया तो फिर तो हमारा, हम पाकिस्तानी नहीं ना रहेंगे, तो हमारा एक जज्बा है पाकिस्तानी होने का। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि ये जो तलहा बिन उबैदुल्ला है ना जी, इनका आपने याद रखना है कि ये मुसलमान हुए थे, इनका विसाल कहाँ पे हुआ था, आपने याद रखिएगा कि बसरा में जंग हुई थी, हजरत जुबैर और हजरत तलहा का इकट्ठी शहादत हुई, आपको पता है जंगे जमल में, जंगे जमल आपको पता है 656 AD में लड़ी गई थी जी, बसरा में, बसरा इराक का शहर है जी, उधर ही मजार है जी, ठीक है ना जी। तो आपने याद रखिएगा कि ये मजार जो है वो मतलब हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला का मजार आपने याद रखना है कि बसरा में है, ठीक है ना जी। तो ये कुछ मतलब है कि मैंने आपको सहाबा की बात बता रहा हूँ जो जो मुसलमान हुए थे। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, इनका जिक्र आपने याद रखना है कि ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है जी, इनके बारे में आता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जी, ये एक दफा जा रहे थे हजरत अबू बकर सदीक और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लम, तो ये जो है ना अब्दुल्ला बिन मसूद जो है उकबा बिन अबी मुईत उसकी बकरियां चराया करते थे, तो सरकार ने इनको कहा कि किसी कोई बकरी जो है बकरी का दूध मिल जाएगा जी, तो उसने कहा जी कि बकरियां तो हैं लेकिन मैं चरा रहा हूं और मैं ईमानदार हूं, मैं खयानत नहीं कर सकता, तो सरकार ने फरमाया कोई ऐसी बकरी है जो दूध ना देती हो तो वो ले आओ, ठीक है ना, जो अभी हमले ही ना हो, मतलब बिल्कुल जो है कि उसने अभी तक किसी भी नर के साथ उसका मामला ना हुआ हो, तो ऐसी बकरी दूध नहीं दे सकती, तो वो बकरी लेके आए, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी ये कंकरर ऑफ सीरिया जो है हजरत अबू बैदा बिन अल जरा, ठीक है ना, कंकरर ऑफ सीरिया, तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद के ने जब लेके आया तो सरकार ने जो है ना जब उसके थनों को पकड़ा तो अल्लाह के करम से दूध आ गया जी, और वो कहते हैं जी मैंने भी दूध पिया, सरकार ने भी पिया, हजरत बकर सदीक ने पिया, तो ये सारे जब मामलात हुए तो मैंने ना देख लिया जी कि आपका मोजजा जो था ना जी, तो मैं मुसलमान हो गया। कहते हैं कि
मैं ये जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है ना, ये फिर सरकार के साथ साथ ही रहते थे, हर वक्त जो है वो सरकार की बारगाह में हाजिर रहते थे, आपकी खिदमत में मशगूल रहते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमाते थे तो आप पर्दा लेके खड़े रहते थे जी, नालैन मुबारक पहनाते थे और नालैन मुबारक को उतार के फिर उठा लेते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिंदगी गुजारी। ये अब्दुल्ला बिन मसूद वो है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इन्होंने अबू जहल जो है ना जी, उसकी गर्दन इन्होंने काटी थी जंगे बदर में ना जी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या किया था, और ये कुरान की तलावत करते थे जी, बहुत इनकी अच्छी आवाज थी जी, तो ये आपने ना याद रखिएगा के। एक और साहबी है जी, वो उनका नाम है खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद जो है ना जी, ये कातबे वही भी रहे हैं जी। इनके बारे में आता है कि इन्होंने रात को ख्वाब देखा था कि मैं ना एक गड़े में कूद गया हूँ, ठीक है ना जी, यानी गड़े किनारे पे खड़ा हूँ और कोई मुझे ना कुछ शख्स ने धक्का देकर इस गड़े में गिराना चाहता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो ये जब ख्वाब हजरत अबू बकर सदीक से डिस्कस किया, क्योंकि हजरत अबू बकर सदीक ना ख्वाबों की ताबीर बताते थे, तो उन्होंने कहा कि तुझे ना मुसलमान हो जाना चाहिए ताकि तू जहन्नम से बच जाए। तो कहते हैं कि खालिद बिन सईद भी इस ख्वाब को देख के क्या हो गए थे, मुसलमान। अब आप देखिएगा जी, बड़े अहम सहाबी का जिक्र है, हजरत अबू जर गफारी। ये मदीना से इनका तल्लक है, लेकिन उस वक्त अभी सरकार जो है ना जी वो मक्का में ही रहते थे। तो बड़ा अहम वाकया है जी, आप दोस्त गौर से सुनिएगा कि इनका असल नाम जो है ना जी, ये हजरत अबू जर गफारी का नाम आपने नहीं पढ़ा होगा, जुंदब बिन जनादा। इनका असल नाम जो है ना जुंदब बिन जनादा है जी, ये बनी गफार एक कबीला है जी, उससे मतलब है कि मदीना से इनका तल्लक है। कहते हैं कि ये अपनी उस जिंदगी में भी ना जनाब मतलब है कि बुतों से बेजार थे जी। तो कहते हैं कि एक दिन जब इन्होंने ना अपने भाई को भेजा था मक्का कि जाओ देख के आओ, कहते हैं कि मक्का में नबी आ गया है, तो जब वो मक्का में गया है तो उन्होंने सारी सरकार की चीजें जो है ना जी मतलब मामलात बताए, तो ये खुद कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम मेरे मामलात घर के मामलात में लियाल का ख्याल रखना, मैं खुद जाता हूँ। कहते हैं कि खाने पीने की चीजें साथ ले ली और मैं मक्का पहुंच गया और मैं खाना खावा, मैं चाहता था किसी बंदे से पूछ नहीं सकता था, हालात सख्त थे जी मक्का के, तो कहते हैं कि मैं ना खाना काबा में बैठा रहा और मैं खुद देखना चाहता था सरकारे दो आलम सल्लम को। तो कहते हैं कि खाना काबा में ही शाम हो गई तो मैं वहीं पे लेट गया, तो हजरत अली ने ना मुझे साथ लिया और घर ले गए और रात मैंने वहां पे गुजारी। फिर मैं सुबह खाना काबा में आ गया, सारा दिन गुजर गया, फिर शाम हो गई, फिर जब मैं उधर ही लेटने लगा फिर हजरत अली आ गए और फिर जो है वो मतलब है कि मुझे घर ले गया। तीसरे दिन भी यही वाकया हुआ, और जब तीसरे दिन जब आप लेके गए तो आपने मुझसे पूछा भाई आप मुसाफिर हो, आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हो, तो उन्होंने कहा जी मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। फिर हजरत अली ने मुलाकात करवाई हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू जर गफारी की। जब सरकार को मिले तो सारा जो है कि कलमा भी पढ़ लिया और अर्ज की कि अगर मेरे साथ पुख्ता वादम, यानी कि ना हजरत अली के साथ ये चीजें हुई थी। फिर सरकार ने जब इनको कलमा पढ़ाया तो सरकार ने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप चुप करके अपने इलाके में चले जाएं और वहां पे जाके तबलीग करें, ठीक है ना जी, लोगों को। तो कहते हैं कि मैं जब निकला ना जी, तो मेरे दिल में ये था कि मैं जोर से जनाब क्या करूं जी, अपने ईमान का मतलब है कि इजहार करूं। सरकार ने तो कहा था कि आप वापस चले जाएं और उन्हें दावत दें, जब मैं हमारे फतह याब हो जाएंगे तो तुम इतला मिले फिर मेरे पास आ जाना। तो आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह, अल्लाह की जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, मैं तो मुशरकीन के मजमे में जाके ऐलान करूंगा जी। और एक रोज जब आप कबायले सारे कुरैश मक्का जो थे ना वो इकट्ठे थे यहाँ पे, तो आपने मक्का में यानी कि खाना काबा में जाके ऐलान किया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये जो सारे काफर थे ना जी वो इन पे टूट पड़े और इन दोनों ने इनको बहुत मारा जी। इनके जिस्म में ना जो उतबा बिन रबी है वो और बाकी जो थे उन्होंने इनको इतना मारा कि मुंह जो है वो भी और मतलब जिस्म पे जख्म ही जख्म आ गए।
तो जमीन पे गश खा के गिर पड़े, और हजरत अब्बास ने इनको बचाया। उन्होंने कहा कि लोगों, ये बनू गफार के हैं और ये मदीना से हैं, ये तुम्हारा जो शहर है सीरिया है ना, उसको बंद कर देंगे, तो बंदे के बच्चे बनो, इनको छोड़ दो। कहते हैं जब मुझे होश आया तो दूसरे दिन फिर मैंने यही किया, क्योंकि मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि मुझे कोई मारे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मारे, ठीक है ना जी। तो मुझे मतलब इससे कोई गरज नहीं था कि मैं बचूं ना जी, मैं चाहता था कि कोई मुझे मारे, ठीक है ना। तो दोबारा ऐलान किया, कहते हैं दोबारा मुझे मार पड़ी, फिर वो है वहां से निकला तो मैं अपने इलाके में आ गया। तो अब याद रखिएगा कि हजरत अबू जर गफारी का बहुत बड़ा नाम है जी, इनका असल नाम आपने याद रखना है जुन्दम बिन जनादा, ये नाम आपने याद रखिएगा। फिर एक और साहबी है जी जो स्टार्ट में मुसलमान हुए और उन्होंने हजरत उमर का जनाजा भी पढ़ाया था, हजरत सुहेब रोमी। आपने याद रखना है कि हजरत सुहेब रोमी का तल्लक जो है ना जी, ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये कसरा से है, ईरान से। इनका वालद जो था ना जी, वो ईरान की फौज में था जी, अल अफसर था। रोमियों ने ईरान पे हमला किया तो ये हजरत सुहेब बिन रूमी जो थे ना, वो छोटे थे और इनको कैदी बना लिया जी, और कैदी बने तो यहाँ से फिर जो है ना रोम चले गए, ठीक है ना जी। कहते हैं कि रोम अरब का एक ग्रोह जो है ना, वो रोम गया तो इन्होंने वहां से ना इनको खरीद लिया। और फिर जो अकाज का मेला लगता था ना जी, अकाज के मेले में इनको अब्दुल्ला बिन जिदान, एक काफर का नाम है जी अब्दुल्ला बिन जिदान, उसने खरीदा था जी, ठीक है ना जी। मतलब है कि उसने खरीदा, और जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इलाने नबूवत किया, तो कहते हैं सुहेब का ना शाना अकदस के गिर्द मंडला रहे थे, तो हजरत अम्मार बिन यासर, अम्मार बिन यासर वो भी वहां पे गए, तो पूछा भाई कि क्या मामला है, तो कहते हैं जी कि मेरा इरादा है कि मैं मतलब आका सल्लम की खिदमत में पेश हूँ। तो अम्मार ने भी कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ, तो दोनों गए और सरकार की तालीमात सुनी और मुसलमान हो गए। तो अब याद रखिएगा कि हजरत सुहेब रोमी जो है ना जी, इन्होंने जब हिजरत की थी ना मक्का से मदीना, तो ये मक्के वालों ने ना इनको कहा था कि सुहेब जब तू आया था तो तू गुलाम था, तेरे पास कुछ भी नहीं था, अब तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो तू जो है कि ये अगर मक्का से मदीना जाना चाहता है तो तुझे ये पैसे छोड़ने पड़ेंगे, यानी सारा माल दौलत तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो अब याद रखिएगा कि हजरत शुएब रूमी ने जब हिजरत की है मदीना, तो सारा माल दौलत तो मक्का वालों को दे के चले गए थे, सिर्फ अपना ईमान बचा के ले गए। तो ये आदमी ने याद रखना है हजरत शुएब रूमी, ठीक है ना, उनका आप याद रखिएगा जी कि वो भी। फिर इसी तरह आगे बाद में जो है वो हजरत हमजा मुसलमान हुए। तो ये स्टार्ट वाला दौर जो है ना जी, ये आपने ना ध्यान में रखना है जी कि हजरत उमर का इस्लाम में आना, और हजरत उमर का जो है और हजरत हमजा का, तो ये स्टार्ट वाली जो तब्लीग है ना जी, इसको आपने ध्यान में रखिएगा कि ये स्टार्ट थी जी जब ये लोग जो है वो स्टार्ट वाले मुसलमान हुए। मैंने आपको 40 मुसलमानों का जी मेरे भाई सीखने को मिल रहा है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा आप थोड़ी कोशिश करें ना जी कि आप लोगों तक अभी देख लें, आप जाती है ना, आप लोगों को मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप अगर रोज काम थोड़ा सा करेंगे, दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, तो इससे मेरे मुझे भी लगेगा कि यार दोस्तों तक ना मेरा, आप देखें ना कि जितने दोस्त हैं लाइक और शेयर को नहीं करते, इतने में कितना फर्क पड़ जाता है। एक आप अंगूठा दबा के इसको आगे या अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, तो मैं कौन सा कोई मतलब है कि आपको गलत चीज पढ़ा रहा हूँ ना, मकसद तो यही है कि आप दोस्तों को अच्छी चीजें पढ़ाने का, कि आप लोग आगे लाइक और शेयर करेंगे तो आपको भी फायदा होगा और आने वाले लोगों को भी फायदा होगा, और मेरी हौसला अफजाई भी होगी कि चलो यार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, दोस्तों तक मैसेज जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे जितने भी दोस्त हैं, एक दफा भी किसी ने लाइक नहीं किया, ठीक है ना जी, आते हैं और मतलब है कि बस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना जी। इतना नहीं होता, इतना भी बंदे को ना तो थोड़ा सा किसी को, आप मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हिस्सा डालेंगे तो चलो यार मेरी भी हौसला अफजाई होगी, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। मैं आप देखेंगे स्पेशली टाइम निकाल के मतलब है कि, और एक पक्का टाइम है जिसपे क्लास करते हैं, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे
एक बड़ी क्लास बन जाएगी। रमजान पूरे में सेशन हमने चलाना है तो उसमें दोस्तों तक एक मैसेज तो जाना चाहिए, लेकिन कोई बंदा लाइक शेयर तक नहीं कर रहा। मतलब आप साथ साथ अगर लाइक करते जाते हैं, ठीक है ना जी। नहीं, टाइम का नहीं होता, मकसद होता है मेरे भाई, आप करते हैं ना आगे दोस्तों तक। आप देखें जितने भी दोस्त हैं, आपने अपनी फेसबुक पे ये लिंक शेयर किया है, आप सच्ची सच्ची बताएगा, आपने अपनी जो आपकी आईडी है फेसबुक पे, इधर का लिंक शेयर किया आपने, किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि एक दफा बताएं तो सही कि जितने दोस्त, ये 9-10 लोग जो क्लास ले रहे हैं, किसी ने लिंक शेयर किया है जी? आप में सबसे, आप रोजा तो सामने रखा हुआ है, किसी ने भी लिंक शेयर किया है? नहीं किया ना जी। तो मतलब है कि इतनी एफर्ट नहीं आप कर सकते। तो फिर यार हमसे तो आप करते हैं कि यार हम तो करें, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं कर सकते। हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं मतलब करवा रहा हूँ उसमें कोई गलत है, या मतलब है ना दोस्तों तक। आप बताएं सही, किसी एक बंदे ने भी आप देखें कि मैसेज किया जी? मेरे भाई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतना तो टाइम ही नहीं लगता। आप अपनी आईडी पे उसको लिंक को शेयर कर देते हैं तो कौन सा आपको मैंने कुछ गाना बजाना सिखाना है, ठीक है ना जी। जो मतलब है जी मेरे भाई, तो आईडी पे भी तो आप कर सकते हैं ना, फेसबुक आईडी पे लिंक शेयर करें, ठीक है ना जी। जी मेरे भाई, इस वीडियो का लिंक आ नहीं रहा जी, तो उस लिंक को अपनी मतलब है कि फेसबुक आईडी पे, जहाँ पे मतलब पे आप रोज रोज अपडेट करते हो, वहां पे आप उसको लगा देंगे तो लोगों तक मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन वो इतना आपका लोगों का है ही नहीं कि वो यार मतलब है कि एक बंदा एफर्ट कर रहा है तो उसको साथ साथ आप भी सपोर्ट करें। यार फेसबुक पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, ठीक है ना जी। व्हाट्सएप पे किया, फेसबुक पे? आप फेसबुक नहीं चलाते जी? वहां पे आप लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो उसका फायदा मतलब है कि जब बाद में भी लोग देखेंगे तो वो वीडियो भी देख लेंगे। ये तो आपकी पहला जिम्मेदारी है ना कि यार आप वो देखें कि कोई भी एकेडमी, और इतनी डिटेल में कोई एकेडमी पूरे पाकिस्तान में आपको इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगी, ठीक है ना जी। तो आप लोग इतना नहीं करते कि चलो यार इस बंदे का भी थोड़ा सा भला हो जाए कि हम भी अपना हिस्सा डालते हैं, अगर इसने किया है तो चले खैर है, तो नहीं है। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, जब पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लोग मुसलमान हुए, ठीक है ना जी, जो 35 जो है कि 40 लोग जो है पहले मुसलमान हुए थे, उसके बाद क्या होता है जी? आपने ना अपने रिश्तेदारों को, कराबतदारों को, ठीक है ना जी, बुलाया था जी एक ना के करने के लिए जी, कि आप याद रखिएगा कि बनी हाशिम जो है कबीला ना, उनको बुलाया, और इसमें बनी मतलब भी थे जी, ठीक है ना जी, उनकी जमात को बुलाया ताकि उनकी दावत रखी। इस दावत में ना जी अबू लाल जो है उसने सरकार को बोलने ही नहीं दिया, उसने कहा जी के भतीजे तो मतलब है आप हम पे ऐसी जिम्मेदारी ना डालो कि जो हम पूरे अरब का मुकाबला नहीं कर पाते ना जी, तो आप मेहरबानी करो तो ये काम ना करो, ठीक है ना जी। तो उस दिन उसने आपको बोलने ही नहीं दिया जी। उसके बाद आपने दोबारा एक दफा तबलीग के लिए लोगों को जमा किया, और हजरत अबू तालब ने आपकी हामी भरी थी जी, उन्होंने कहा कि भतीजे मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी अबू लाब ने मुखालफत की और हजरत अबू तालब ने आपकी जो है ना वो सपोर्ट की थी। लेकिन 3 साल तक आपने याद रखिएगा कि तबलीग जो थी ना वो अंडरग्राउंड चलती रही जी। 3 साल बाद हुक्म आया कि आप ओपनली क्या करो जी, तबलीग करो, तो कोई सफा पे सरकार चढ़ गए थे जी, और आपने कोई सफा पे चढ़ के लोगों को क्या किया जी, बुलाया, और मक्का के सारे लोग आए, और सरकार ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हें अगर कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से क्या आ रहा है जी, एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, तो आप जो है क्या मतलब है कि मानोगे जी? तो सब ने कहा जी के बिल्कुल जरूर मानेंगे जी। तो अब याद रखिएगा कि
ये ध्यान रखिएगा कि इस पहाड़ के पीछे से उन्होंने कहा जी के आर्मी आ रही है, ठीक है जी, और आप इसको मतलब है कि मानो, सबने कहा जी मानेंगे। तो सरकार ने फिर कहा कि उन्होंने कहा जी हम आपको सादक और अमीन समझते हैं, तो सरकार ने कहा कि फिर मानो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इस पे कहते हैं कि अबू लहाब जो है ना जी, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ करके कहा कि मोहम्मद नाउज बिल्ला तुम्हारे हाथ टूट पड़े, तुमने ये बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया। तो इस पे आपको पता है सूरत जो है ना जी, ये नाजल हुई है, ठीक है जी, सूरत को क्या बोलते हैं जी, सूरत लहाब जो है, तब्बत यदा अबी लहब वतब, है अबू लहाब तुम्हारे हाथ टूट पड़े, तुम्हारी जो है ना वो बीवी मर जाए, ठीक है ना जी। तो ये आप याद रखिएगा कि अबू लहाब की बीवी जो है ना, उसका नाम है उम्मे जमील। ये सब दोस्त जो है ना जी, सब दोस्त एक दफा जो है ना, आप मेरे भाई पता है क्या है, मैं वीडियो ना बना सकता हूँ, ये देखो ना कि आप लोग लाइव पढ़ रहे हो, आपके सारे मैं कमेंट्स के जवाब देता हूँ, मतलब है कि यही चीज मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको ना लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आप सिर्फ दोस्त जो है ना जी, ये मैं वीडियो की सूरत में भी दे सकता था, उसका आपको उतना फायदा नहीं होना था जितना लेक्चर का होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे दोस्त एक दफा जो है ना जी, सारे दोस्त मेहरबानी करके सारे फेसबुक पे अपनी अपनी आईडी पे शेयर कर दें, और नेक्स्ट टाइम भी आपने यही काम करना है, जब भी क्लास स्टार्ट करनी है तो आपने ये फेसबुक पे जो है ना वो इसको लाजमी लगाना है, समझ आ गई जी। क्योंकि आप करेंगे आपको तो फायदा हो ही रहा है। चलो यार, एक बंदा है क्यों कहता है यार, मेरे जो फॉलोअर हैं, दोस्त हैं, वो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन, अब 9-10 तो आप होते हैं, लेकिन वो अगर 50-100 को क्लास चली जाएगी तो उन लोगों का भी फायदा और मेरी भी हौसला अफजाई होगी कि चलो यार, दिन के दिन जो काम है वो कुछ ना कुछ दोस्तों तक ज्यादा मैसेज जा रहा है। तो ये सारे दोस्त बाकी भी जो है ना जी, अमजद नजीर ने जो है वो किया है जी, बाकी जो लोग हैं ना जी, उनकी भी मेहरबानी है कि वो भी कर दें जी, अपनी अपनी फेसबुक आईडी पे ना शेयर कर दें। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि ये उम्मे जमील का आपने नाम याद रखना है जी, ये अबू जेल की ना क्या है जी, बीवी है जी, उम्मे जमील। इसका असल नाम आपने याद रखना है, उरवा है जी, उरवा असल नाम है जी, और ये हरब बिन उमैया जो है ना जी, उसकी सिस्टर है जी, मतलब बेटी है, और अबू सुफियान की सिस्टर है जी। आपको पता है जी, अबू सुफियान जो हजरत अमीर माविया के वालिद है ना जी, ये हरब बिन उमैया की बेटी थी, और अबू सुफियान की क्या है जी, बहन है ये उम्मे जमील। ये सरकार के रस्ते में ना कांटे बिछाती थी, जिस कुरान में जब सूरत आई है ना जी, तो उसमें जिक्र आया कि जनाब उम्मे जमील जो है, इसके गले में क्या होगा जी, फंदा होगा जी, क्योंकि ये सरकार के रस्ते में जंगल से कांटे लेके आती थी, और मतलब है कि ये सरकार को तंग करने के लिए मतलब है कि रस्ते में फेंकती थी। तो अबू लाह के बारे में भी सख्त वईद आ गई, और ये सूरत लाह में आप याद रखिएगा, समझ आई जी। तो फिर फुल मुकल्ला जो तकरीर अपना हो गई सफा मरवा पहाड़ी पे, आप याद रखिएगा, तो उसके बाद कुफार ने ना सरकार दो आलम सल्लम को तंग करना शुरू कर दिया है, इनके सहाबा को तंग करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि हजरत बिलाल को बहुत ज्यादा सजाएं दी गई, हजरत बिलाल जो है, हजरत अम्मार बिन यासर, हजरत यासर और उनकी वाइफ है यानी हजरत अम्मार की वालदा है हजरत सुमैया, या पता इस्लाम की पहली शहीदा है हजरत सुमैया जो है ना जी, इनको अबू जेल ने शहीद किया था, अबू जेल ने नेजा मार के हजरत सुमैया को शहीद किया था जी। हजरत यासर भी तकलीफों को बर्दाश्त ना कर सके और ये भी वफात पा गए। तो याद रखिएगा कि हजरत अम्मार बिन यासर के वालदेन जो है वो इस्लाम की खातिर जो है इन्होंने जान दी थी, और अबू जेल ने मतलब है कि हजरत सुमैया को शहीद किया था जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि इस्लाम का जो स्टार्टिंग है, ये सिलसिला चल रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना जी कुछ गुलामों को खरीद के आजाद किया था, हजरत बिलाल को और आमर बिन फहीरा, इनको खरीद के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आजाद किया था। इस्लाम का जो पहला
मतलब बनाया ना जी दारुल अपना तबलीग का सेंटर, वो आप याद रखिएगा हजरत अरकम बिन अबी अरकम का घर था जी। ये मक्का से थोड़ा सा ना बाहर साइड पे था, तो इसको सरकार ने अपना क्या बनाया जी सेंटर, तबलीगी सेंटर ये बनाया जी। अब याद रखिएगा कि अरकम बिन अबी अरकम का घर था। फिर 5 हिजरी अपना नबवी आ जाती है जी, हालात खराब थे, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि क्या कर जाए जी हिजरत। तो आप बताए जी 12 लोगों ने हिजरत की थी, 12 मर्द थे और 4 औरतें थी जी। इन्होंने कहाँ पे हिजरत की थी? हबशा की तरफ। हबशा अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ना इस अंदाज में, आपने याद रखिएगा कि ये वाला एरिया है, ये आजकल है सोमालिया, ये वाला एरिया। इससे आगे जो एरिया बनता है ना जी, ये आजकल इसको बोलते हैं इथोपिया। इधर बिल्कुल ये नीचे जो है ना जी, ये यमन का इलाका है जी, ऊपर सऊदी अरेबिया है। ये बीच में ना आपने याद रखना है कि ये रेड सी को अरेबियन सी से मिलाने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी? बाबुल मंदब। ये हमने जो पहले दिन लेक्चर पढ़ा था ना जी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट है बाबुल मंदब। तो साहब कल को पूछ लेना कि मुसलमान जो थे ये मक्का से हिजरत करके इथियोपिया किस रास्ते से गए थे, तो ये स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब को क्रॉस करके हबशा आए थे। क्योंकि हबशा जो था ना जी, यहाँ पे ईसाई हकूमत थी जी, तो यहाँ पे नजाशी बादशाह, नजाशी जो है ना जी, उसकी हुकूमत थी, और वो एक अच्छा था। और बाद में आपको पता है नजाशी जो है वो मुसलमान भी हो गया था, उसका असल नाम असमा है। नजाशी का असल नाम क्या है जी? असमा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी, आपने याद रखेगा कि हजरत उस्मान गनी और उनकी वाइफ हजरत रुकैया ने भी हिजरत की थी। तो आप याद रखिएगा कि ये हिजरत जो है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ने भी हिजरत की थी। समझ आ गई थी? तो ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम के बाद ये हिजरत, यानी कि नबी की फैमिली में से ये हिजरत हुई है जी, यानी जो हजरत उस्मान गनी ने हिजरत की थी। और इनके साथ जो है कि 12 मर्द और 4 औरतें जो है ना, इन्होंने हिजरत की है। लेकिन उसी साल ना एक वाकया पेश आ गया जी, जिसके बाद मतलब है कि मामलात बदले हैं। अब ये देखिएगा हुआ क्या कि रमजान का महीना था उसी साल, यानी 5 नबवी को, तो रमजान के महीने में ना जी सरकारे तो आलम सल्लम खाना काबा जाते हैं और सूरत नजम की तलावत करते हैं। जब आप सल्लम ने सूरत नजम की तलावत की तो आयते सजदा आई ना जी, तो कहते हैं कि सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए जी, जो काफर लोग बैठे हुए थे उनके ना एक वजद सा तारी हो गया जी, और वो लोग क्या करते हैं जी, वो सारे सजदे में चले जाते। जब सजदे में गए तो थोड़ी देर के लिए तो वो सिचुएशन रही, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से संभल गए जी। जैसे आप तो पता है कभी कभी बंदा जाता है तो मस्जिद में, तो वो मौलवी की या मतलब नात खान की नात सुन के बंदे के ऊपर वजद तारी हो जाता है जी, और बंदा रोना शुरू कर देता है, तो वो कैफियत तो थोड़ी देर के लिए रहती है जी, फिर वो बदल जाती है। तो ये लोग भी थोड़ी देर के लिए तो तायब हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो ही उबरी कुफर पे पक्के हो गए। लेकिन अफवाह ये उड़ गई कि मक्का वाले सारे क्या हो गए जी, मुसलमान हो गए। तो जब ये खबर इधर इथियोपिया पहुंची तो इन लोगों ने सोचा कि यार हम भी फिर वापस चलते हैं, अगर मक्का के लोग मुसलमान हो गए। तो ये जब यहाँ से फिर वापस आए तो मक्का के करीब पहुंचे, तो इन्हें तो पता चला कि ये लोग तो कोई नहीं मुसलमान हुए जी, उल्टा बहुत सख्त हो गए जी। कुछ लोग तो यहीं से जो है वो वापस हो गए, और कुछ जो है वो किसी के मतलब दोस्त के रेफरेंस से मक्का में दाखिल हो गए। जब इन लोगों ने जाके मुसलमानों को जो मक्का में रहते थे हबशा के हालात का बताया, तो क्या हो जाता है जी कि वो सारे दोस्त जो है ना जी, यानी उन्हें लगा कि यार वाकई हबशा में तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हबशा हिजरत कर जानी चाहिए। तो अब याद रखिएगा दूसरी हिजरत हुई है जी दोबारा, और इसमें ना 83 मर्द थे
और 18 औरतें थे, समझ आ गई जी। और इस दफा जो है कुफारे मक्का ने ना पूरी कोशिश की थी कि हम रोकें किसको जी, मुसलमानों को वहां जाने से, लेकिन रोक तो नहीं पाए क्योंकि ये जल्दी निकल गए। तो फिर ना अमर बिन अलास जिन्हें क्या बोलते हैं जी, माइंड ऑफ अरब बोला जाता है, इनको बकायदा जो है ना वो मतलब है कि सफारत दे के भेजा गया कि आप जाएं नजाशी बादशाह को कहें कि ये लोग हमारे हवाले करें। आपको तो नजाशी को जाके जब इन्होंने कहा तो नजाशी ने कहा जी के बगैर सुने मुसलमानों को मैं वापस नहीं करूंगा। तो फिर कहते हैं हजरत जाफर बिन अबू तालब जो है ना जी, इन्होंने तकरीर की थी नजाशी के दरबार में। उन्होंने कहा था कि ऐ बादशाह, हम बुतों की पूजा करते थे, हम हर जो है ना हराम चीजें खाते थे, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते थे, फिर अल्लाह ने हम पे कर्म किया, हम ही में से एक नबी भेजा जिसने हमें पाक साफ किया, हक और सच की तालीम दी। क्योंकि आपको पता है नजाशी बादशाह ईसाई था जी, ठीक है ना जी। तो ये आप उन्हें याद रखिएगा कि ये इसके पास नबुवत का तो इलम था क्योंकि हजरत ईसा अलैहि इस्लाम भी अल्लाह के नबी और रसूल थे। तो इसने कहा कि ये तो कोई बुरी बात है ही नहीं। तो फिर अमर बिन अलास ने कहा कि इनकी तालीमात जो है ना वो हजरत ईसा और हजरत मरियम के खिलाफ हुई। तो हजरत जाफर ने ना सूरत मरियम की तलावत की। ये ना क्वेश्चन आता है कि हजरत जाफर ने किस सूरत की तलावत की थी, तो सूरत मरियम की तलावत की, जिसमें आप याद रखिएगा कि अल्लाह ने जो हजरत मरियम और हजरत ईसा की शान लिखी है वो एज इट बयान की। तो जिसपे नजाशी बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम एक लमहे के लग का भी फर्क नहीं है, जो शान आपने बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो लिहाजा आपको मेरे मुल्क में रहने की इजाजत है। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि तो आपने ना ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिलसिला जो है कि ये हुआ है जी कि हजरत मरियम जो है ना उनकी और हजरत ईसा की शान जो बयान की, तो उससे फिर नजाशी जो है उसने इनको अपने मुल्क में रहने की इजाजत दे दी थी। तो आप याद रखिएगा कि ये दूसरी हिजरत है जी हबशा की तरफ, दूसरी हिजरत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ना की है जी, क्योंकि हालात मक्का के खराब हो गए थे तो इस वजह से ना जी वो सिलसिला हुआ नहीं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे आगे जाके अब क्या होता है कि जब हजरत उमर मुसलमान होते हैं, हजरत हमजा मुसलमान होते हैं, आपने याद रखेगा कि 6 नबवी को हजरत हमजा और उनके 3 दिन बाद हजरत उमर मुसलमान हुए। आपको पता है हजरत उमर के मुसलमान होने का भी बकायदा वाकया है जी। तो ये 6 नबवी को मुसलमान हुए थे, तो इससे काफिर डर गए थे जी, ठीक है ना जी। तो आप याद रखिएगा 6 नबवी हजरत हमजा हजूर के चाचा हैं जी, और हजरत उमर का तल्लक जो है ये बनू अदी से है, लेकिन इनका नाम बड़ा था जी। और खुद कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर बिन खताब या उमर बिन हशाम इनमें से एक दे दे। उमर बिन हशाम कही, दूसरा नाम है अबू जहल, ठीक है ना जी। तो अबू जहल भी बहुत जहीन इंसान था जी, इसे अबुल हिकम भी बोला जाता है, हिकमत का बाप बोलते हैं जी, ठीक है ना जी। तो आप याद रखिएगा कि अबू जहल, ठीक है जी, और ये दोनों उमर के लिए दुआ थी कि इनमें से एक कम अज कम दे दें। फिर आपको पता है हजरत उमर जो है इनका वाक्य तो आपने सारा सुना हुआ है, सूरत ताहा की तलावत सुन के ये क्वेश्चन आता है कि किस सूरत की तलावत सुन के आप मुसलमान हुए थे। तो आप जो है ना ये सूरत जो है कि ये ताहा की तलावत सुन के जो है वो मुसलमान हुए थे। तो आप इंशाल्लाह अगला जो क्वेश्चन आपको करवाना है ना जी वो शेर भी अभी तालब का है जी, यानी आपको पता है 7 नबवी से लेके वो आगे चलेगा 10 नबवी तक, और उसमें फिर वाकयात आएंगे, वो इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। इंशाल्लाह कल भी आपकी क्लास होगी,
11 बजे ही ना जी। तो सारे दोस्तों को ना सिर्फ एक अपील है, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं कि यार एक तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है ना जी। दूसरा, जब भी आपने ज्वाइन करना है ना, इतने में मेरे भाई फर्क तो नहीं पड़ता, आप यहाँ से लिंक उठा के अपनी फेसबुक पे आईडी पे लगा देंगे, ठीक है जी। क्योंकि आप पढ़ने वाले लोग हैं तो आपके दोस्त भी आगे यही पढ़ने पढ़ाने वाले काम करते होंगे, ठीक है ना जी। मेरे पहला जो है ना वो 5 हिजरी है, दूसरी 5 नबवी है, दूसरी 6 नबवी को मतलब ना हिजरत है, 2 हिजरतें हुई हैं जी। तो ये कर देंगे जी सारे दोस्त, आज कमिट करें जी के एक तो वीडियो को आगे, आज जो वीडियो आपने जो लेक्चर लिया है इसको, इसका लिंक शेयर कर दें, ठीक है ना जी। और दूसरा, कल से आपको मतलब है कि आपने जैसे ही ज्वाइन करना है तो साथ यहाँ से लिंक उठा के अपनी फेसबुक आईडी पे लगा देंगे जी सारे दोस्त, और आज भी शेयर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा जी सारे दोस्त, करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे भाई फेसबुक आईडी पे कर दें, फेसबुक आईडी जो आपकी है उधर, जिधर आप मतलब है कि बस उस पे शेयर कर दिया करें जी। बस यही है ना, दूसरे दोस्तों को भी, सारे दोस्त करेंगे तो मेरे भाई लाइक कर दिया करेंगे। आप देखो ना आपका कितना टाइम लगता है, आप लाइक करते हैं ना, उसका फायदा क्या होता है कि फेस, ये जो यूट्यूब वाले हैं ना, ये खुद फिर आगे लोगों तक जो है वो पहुंचा देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ठीक है ना जी। तो हम देखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, हमने कौन सा कोई, ये सारे दोस्तों का है जी, सारे दोस्त करेंगे, ठीक है ना जी। तो उससे एक ये होता है कि आप देखो ना, रमजान का महीना चल रहा है और अगले लेक्चर आके अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि जिस वक्त हिजरत स्टार्ट हो जानी है उसके बाद गजवात आ जाएंगे, और एक एक गजवा जो है वो इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि आप जनरल सी चीजें करवा रहे हैं ना, लेकिन आप बिल्कुल आगे जाके स्पेशल हो जानेंगे। लेकिन सारे दोस्त जो हैं जितने भी सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करेंगे जी, वो इसको आगे जो है वो शेयर करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप देखें ना, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम संडे वाले दिन भी क्लास जो है वो करेंगे, ठीक हो गया जी। अल्लाह खैर करेंगे सब।